हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनमोल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी सागर में। अगर आप बीए एलएल में मैं एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है, कौन से डोमेन आपको सिलेक्ट करने हैं, आज हम इस वीडियो में जानने वाले जो कि ऑफिशियली सिलेबस है 2023 का। तो फ्रेंड्स, आपको जो डोमेन यहाँ पे बताया जाएंगे, जो क्राइटेरिया आपको बताया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो आप जान लें कि ये कंपलसरी होगा। हम बहुत पहले से आपको ये चीज़ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, हर एक वीडियो में बता रहे, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि गलतियाँ कर रहे हैं, बार बार कमेंट आ रहे हैं, तो हमें ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, cut.summit.ac.in की ऑफिशियली वेबसाइट cut UG 2023 की वेबसाइट पर हम लॉगिन किए हुए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑफिशियली 2023 का क्राइटेरिया क्या है बीए एलएलबी के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। यह जो विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सागर में स्थित है। सेकंड, हम बात करें कि यहाँ पे जो आपको एडमिशन मिलेगा बीए एलएलबी में, वो सीवीटी के माध्यम से मिलेगा। और अगर आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यहाँ क्लिक करके आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, जहाँ आप यूनिवर्सिटी के बारे में और ज़्यादा जानकारी देख पाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं बीए एलएलबी की कि क्राइटेरिया क्या है, क्या आपको सेलेक्ट करना होगा जो कि कंपलसरी होगा। तो चलते हैं बीए एलएलबी पर। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सभी कोर्स की यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्राइटेरिया दिया हुआ है ना, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चॉइस करना है। लेकिन हम देख रहे हैं बीए एलएलबी का। तो आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो हम कोर्स की बात कर लेते हैं, तो जो स्टूडेंट की कमेंट है हम उनके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे, ठीक है। तो पहला ये क्वेश्चन उठता है कि बीए एलएलबी के लिए कौन से स्टूडेंट है जो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ एनी स्ट्रीम, आप ट्वेल्थ से मैथ से हैं, बायोलॉजी से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट से है, आप किसी से भी हैं, ठीक है, आपने ट्वेल्थ पास कर ली है ना, तो आपको जो है वो इन किसी भी सब्जेक्ट से आप यहाँ पर एडमिशन ले सकती हैं बीए एलएलबी में, सबसे पहली बात। सेकंड ये है कि बीए एलएलबी जो है वो ट्वेल्थ के डायरेक्ट बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ट्वेल्थ के डायरेक्ट बात आप जो है वो बीए एलएलबी कर सकते हैं, लेकिन एलएलबी नहीं कर सकते। तो बच्चे कन्फ्यूज हैं कि बीए एलएलबी करना है कि एलएलबी करना है, तो आप जाने कि ग्रेजुएशन के बाद ही एलएलबी की जाती है, ट्वेल्थ के बाद आपको पहले बीए एलएलबी डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। सेकेंड, जाने हम कि बी एल एलबी का कोर्स ड्यूरेशन कितना है। तो बी एल एलबी का जो है वो 5 ईयर्स का कोर्स है, जो कि 10 सेमेस्टर में डिवाइड है, सेमेस्टर वाइज यहाँ पर पेपर होते हैं, है ना। तो ये रहा बी ए एलएलबी, इसमें आपकी बी ए प्लस में एलएलबी रहती है। अब हम बात कर लें क्राइटेरिया की कि यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले आपको देखना है सेक्शन फर्स्ट में, जिससे है एनी वन लैंग्वेज, यानी सेक्शन फर्स्ट में आपकी यानी कोई भी एक लैंग्वेज होना चाहिए, कोई भी मतलब हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आपको चॉइस करनी है, ठीक है, इतना समझ आया। सेकंड है डोमेन। डोमेन की अगर हम बात करें सेक्शन सेकंड में, जो डोमेन है उसमें आपको लीगल स्टडीज चॉइस करना होगा, है ना। लीगल स्टडी खुद एक डोमेन है, खुद एक सब्जेक्ट है। जो है वो स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि लीगल स्टडी में कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करना है। तो बेटा, लीगल स्टडी खुद में एक सब्जेक्ट है, ठीक है, ना कि आपको उसके अंडर कोई सब्जेक्ट चॉइस करना है, तो ये चीज़ है। थर्ड है आपका सेक्शन थर्ड जर्नल टेस्ट है, तो आपको जर्नल टेस्ट आपको सेक्शन थर्ड में चॉइस करना है। तो आपको क्या चॉइस करना है, समझ आया। सेक्शन फर्स्ट में आपको लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चॉइस करनी है, सेक्शन सेकंड में आपको लीगल स्टडी चॉइस करनी है, सेक्शन थर्ड में आपको जर्नल टेस्ट चॉइस करना है। ये आपका कंपलसरी सिलेबस रहेगा। अगर आप ये चॉइस नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा आपका, है ना, एडमिशन तो बाद है, पहले रजिस्ट्रेशन होगा काउंसलिंग के, तो वहां पे आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, आप वहां से बाहर हो जाएंगे, काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म फिल करना है, अपनी तैयारी करना है। तैयारी करते बाद आपको ध्यान रखना है कि लीगल स्टडी पे ज्यादा फोकस करें आप,
तो आई होप फ्रेंड आपको समझ आया होगा क्राइटेरिया क्या है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप BLLB की बेस्ट से बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो सक्सेस मंत्र बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड, तीनों सेक्शन आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक ही बुक है। पास्ट ईयर पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, सिलेबस है, और भी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको 2 से 3 कोर्स के लिए एक ही बुक मिल जाएगी, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इस बुक के लिए। आप ज़्यादा जानकारी के लिए सक्सेस मंत्र बुक जो है आपके आसपास के स्टेशनरी या फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ की आप बुक का रिव्यू है, तो आप वहाँ पर बुक को देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप चैनल पर विजिट करें, जैसे ही आप विजिट करेंगे तो सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, जिस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो वीडियो अपलोड है, प्लीज जाकर जरूर देखें, सिलेबस देखें। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8518049300 पर संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।